बैठे क्या तुम दोनों? चलो बाहर। मैं निम्मी को कुछ नहीं होने दूंगी विराट सर। मैं जानती हूँ आप हमें ढूंढ रहे होंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे आप हम तक। तुम जहां कहीं भी हो मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा बैंकर। तीन लोग हैं। डिग्गी खोल। यार क्लाइंट का कॉल नहीं आया अभी तक। नाम क्या है क्लाइंट का? केशिका देखो प्लीज याद करने की कोशिश करो, तुम यहाँ कैसे आई, क्या हुआ था, तुम किसने तुम्हें इसमें बंद किया, चोट कैसे लगी? प्लीज प्लीज चिल्लाना बंद करो, मैं जानती भी नहीं हूँ आपको ऐसे मुझ पे कैसे चिल्ला रहे हैं। मुझे कुछ नहीं पता है, और अगर आप लोगों ने मुझे और टॉर्चर किया ना मैं पुलिस को बुला दूंगी। हाँ मैं पुलिस को बुलाऊंगी। देखो इस खाली दिमाग को भी पता है कि ऐसी हालत में पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं मानेगा ये लड़का। अरे आप शांत हो जाएगी प्लीज। शिकप, देखो तुम्हें यहाँ पे कोई टॉर्चर नहीं कर रहा, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है तुम्हें टॉर्चर करने में, पर यहाँ पे कुछ बहुत ही बुरा हुआ है जिसका शायद तुम हिस्सा थी। बैंकर निम्मी दोनों गायब है, पता नहीं किस हाल में है, फोन बात तक नहीं हो पा रही। प्लीज अगर कुछ जानती हो तो बताओ। नहीं ईशिका, तुम्हें कुछ याद ना आने में ही मेरी भलाई और तुम्हारी भी। ईशिका मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ भगवान के लिए, बता दो तुमने देखा क्या आबू को? मैं पता है आबू के बारे में, कुछ बता दो ना। मुझे सच में कुछ नहीं पता होता, ये यहाँ कैसे आई? मैं ये अमू कौन है, ये निम्मी क्या नाम ले रहे हो, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ कैसे? प्लीज मुझे कुछ नहीं। अरे बोल ना। अरे अड़े क्लाइंट का नाम ना लेने के लिए अलग से पैसे मिले, समझा? हो गया तेरे बोल के, चल अभी खोल। एक काम कर, तू उसे घर लेके जा। सदमे की वजह से चोट लगी होगी पर परमानेंट मेमोरी लॉस हो नहीं सकता इसको। जैसी कुछ याद आता है मुझे कॉल कर, प्लीज लेके जाए। हाँ